Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah. हेलो गाइज, दिस इज कुंदन, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो गाइज, मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें मेरे दोस्त ने टाटा पंच खरीदा हुआ था और उसने बेस मॉडल के जस्ट ऊपर वाला वेरिएंट खरीदा हुआ था, प्योर रिदम। सो उसका कहना ये था कि इस गाड़ी में वो अपने तरीके से मॉडिफाई करवाएगा, इसलिए उसने बेस मॉडल खरीदा हुआ था, क्योंकि अपर वेरियंट लेने पर कुछ ज़्यादा ही पैसा लगता है, आप लोग को पता ही होगा। अगर इसके टॉप मॉडल का बात करें तो वो 10.5 लाख के करीब में आता है, 10-30 के करीब में। और प्योर की बात करें तो यही से 7-15 में पड़ा हुआ था, प्योर रिदम। सो आज इस वीडियो में मैं यही दिखाने वाला हूँ कि भाई ने अपने गाड़ी में कौन कौन सा एक्सेसरीज लगवाया हुआ है और क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाया हुआ है। सो अभी देखो, साहब ब्रो मेरे पीछे टहल रहे हैं, यही भाई साहब की ये गाड़ी है पीछे में। आप लोग तो इनसे मिल चुके हैं, एक बार हम गए हुए थे जब बुकिंग कराने के लिए इनका गाड़ी। सो आपको पता ही होगा ये भाई साहब कौन है, आए हुए थे ब्लैक कलर का सूट पहन के, मुझे याद है। चलो गाइस, जब ये रहा हमारा गाड़ी, देखो काफ़ी ख़तरनाक भाई ने एलॉय व्हील्स लगवाया हुआ है। तो चलो मैं एक एक करके मैं दिखाने वाला हूँ और इसके प्राइस भी मैं बताते जाऊँगा भाई से पूछ करके कि कौन कौन सा एक्सेसरीज कितने प्राइस में पड़ा हुआ है। तो गाइस चलो मैं बाहर से पहले दिखाता हूँ कि बाहर से भाई ने क्या क्या लगवाया हुआ एक्सेसरीज, उसके बाद हम चलेंगे अंदर की तरफ और अंदर देखेंगे अंदर की तरफ भाई ने क्या मॉडिफिकेशन करवाया है। चलो गाइस, मैं पहले बाहर से एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ गाड़ी का, भाई ने कैसे कैसे अपने गाड़ी का मॉडिफिकेशन कराया है। आपको भी आइडिया लगेगा देख करके कि क्या क्या आपको अलग दिख रहा है इस गाड़ी में। और ये गाड़ी प्योर रिदम वेरिएंट है। सो आप देख सकते हो भाई ने बेस मॉडल लेकर के काफ़ी अच्छे से मॉडिफिकेशन करवा लिया अपने गाड़ी का, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये कोई बेस मॉडल गाड़ी है। तो आ गए हमारे साहब ब्रो, अब ये एक एक करके बताते जाएंगे क्या क्या एक्सेसरीज लगवाए हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं हमने यहाँ पे DRLs इंस्टॉल कराए हैं, जिसमें एक DRLs लगा हुआ है जो स्ट्रिप लाइट आता है LED का, और प्लस इसमें जो पार्किंग बल्ब होता है उसको हमने चेंज करके वाइट LED लगा दिया, जिससे इसका लुक और बढ़िया दिखता है। उसके बाद फ्रंट में हमने ये ग्रिल लाइट लगाया है, जो कि बारिश के मौसम में या थोड़ा कुहासों के मौसम में बहुत अच्छा दिखता है इसका लुक। उसके बाद इसमें हमने हॉर्न चेंज कराया है, जो कि हॉर्न है हमारा मैक्सलिन का। पहले जो कंपनी फिटेड हॉर्न था वो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि बजाने पे एक साइकिल वाला भी साइड नहीं देता, आवाज मैंने भी सुना हुआ था काफी वो बेकार था। मैं अभी बजा के इसको दिखाता हूँ कैसा इसका साउंड है। भाई एकदम बिल्कुल क्रेटा वाली फीलिंग, पूरा क्रेटा वाला हॉर्न है, क्रेटा वाला हॉर्न लगवा लिया भाई ने। उसके बाद हमने इसमें कराया ये, और भाई इसका प्राइस भी बताते जाओ ना आप। ये लगभग आप जो DRLs चेंज करवाए हो, DRLs लगवाया जो मैंने 700 का था, इसका जो अंदर का LED है वो दोनों साइड का 200 में आया था मेरे को। अच्छा, उसके बाद ये लाइट मैंने ऑनलाइन लिया था, ऑनलाइन ये मुझे 549 के समथिंग पड़ा था शायद। उसके बाद इंस्टॉल कराया था अलग से, 100 रुपया उसमें लगा था मेरा। अभी फॉग लैंप आपने नहीं लगवाया? फॉग लैंप मैंने नहीं लगवाया, क्योंकि आप देख सकते अभी तो गर्मी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, ठंडी जैसे आएगी हम लगवा लेंगे। उसके बाद साइड में ये व्हील कैप लगाया है, जो कि एलॉय व्हील जैसा दिखता है पूरा। ये तो भाई काफी मस्त लग रहा है, पता चल जाएगा कि हमें ये व्हील कैप है, लेकिन दूर से देखेंगे तो ये लगेगा कि एलॉय व्हील है। उसके बाद हमने ये इसमें लगवाया है डोर वाइजर, जो कि क्रोम लाइन के साथ आता है अपना। उसके बाद एक ये क्रोम का ये गार्निश बिट जो आता है वो लगवाया हमने। ये सब कितने ये पड़ा मुझे पड़ा था डोर वाइजर 1200 का पड़ा था। 1200 उसके बाद ये जो है दुकान पे मैंने पूछा था तो उन्होंने 1200 का बताया था, तो मैंने अलग से ये ऑनलाइन अमेजोन से 200 में परचेज करके 200 में ही मिल गया, अपने हाथ से चिपका दिया मैंने, मेरा 1000 बच गया उसमें। और भाई ये व्हील कैप कितने में लिए थे आपने? व्हील कैप मैंने अमेजोन से लिया था 1785 रुपए का। अच्छा, अमेजोन से चीज अमेजोन से लिया था हमने, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके ओके। और आपने ये भी एज गार्ड भी लगाया है? हाँ, एज गार्ड लगाया जो 350 रुपए का पड़ा था। 350? ये काफी अच्छा होता है कि टाइट स्पेस में अगर आप दरवाजे को खोलते हो तो वो लगता नहीं है, वो काफी हद तक ये प्रोटेक्ट कर लेता है, तो ये लगवा लेना चाहिए गाड़ी में। पीछे की तरफ अब आते हैं, पीछे की तरफ हमें लगवाया एक बम्पर। ओके,
ये हमारे गाड़ी को सेफ करता है ताकि कोई पीछे से हमें बाइक वाला या साइकिल वाला ठोके, तो हमारा जो ये वाला पार्ट है ये बचा रहे, सिर्फ इस पे जो रहा है। उसके बाद ये कितने का आया बम्पर भाई? बम्पर ये मुझे इसमें का तीन तरह का था, एक 2100 का था, एक 2600 का था, ये वाला मुझे 2900 का पड़ा था। तो सबसे मजबूत है स्टील में। अच्छा, उसके बाद मैंने बैक में कैमरा इंस्टॉल कराया हुआ है। देखो भाई यहाँ पे बैक कैमरा भी इंस्टॉल हो चुका है भाई का। ये कितने पड़ा था ये कैमरा और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम तो साथ में आया होगा? हाँ, ये तो ये अंदर बता दूंगा ना। अच्छा ठीक, ये मुझे 2900 का आया था। बम्पर 2900 का हो गया। और इस साइड में आते हैं तो इस साइड में तो सेम ही है। तो देखो भाई साइड से देखो, काफ़ी प्यारा लग रहा है ये गाड़ी मॉडिफाई कराने के बाद। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये कोई बेस मॉडल भाई ने परचेज किया हुआ था। सो गाइस हमने एक्सटीरियर का कवर कर लिया हुआ है, एक्सटीरियर से जो भी एक्सेसरीज भाई ने लगवाया हुआ था मैंने आपको दिखा दिया, वो भी प्राइस के साथ। अब चलते हैं इसके अंदर, गाड़ी के अंदर देखते हैं कि भाई ने क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाया हुआ है। चलिए अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं। अब ये देखो भाई काफ़ी प्यारा सा लग रहा है ये कलर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप कमेंट करके बताना गाइस कि ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा दिख रहा है। अब इसमें सबसे पहले मैंने ये सीट कवर लगवाया है जो कि नापा लेदर में है। नापा लेदर, हाँ। इसका कॉस्ट हमें 65 पे हुआ, हाँ, चारों पूरा पूरा सीट पे, पूरा गाड़ी में कवर हुए। ये हमें 6500 का पड़ा। 6500 का पड़ा। उसके बाद गाड़ी में नीचे देख सकते हमने ये 11D लेमिनेशन करवाया हुआ है। ये मुझे यहाँ पे 5500 का पड़ा था अपने लोकल मार्केट। मैंने जो भी काम कराया सब अपने लोकल मार्केट में कराया, इसलिए प्राइस मुझे थोड़ा ओवर प्राइस लगा। अगर बाहर से कराता थोड़ा कम लगता मेरा। अच्छा, कितना का? बाहर जाता तो मेरा तेल का रहने खाने का खर्चा वैसे ही आ जाता, उससे ज्यादा हो जाता, इसलिए मैंने यहीं से करा लिया सब। अच्छा, कितने का पड़ा फ्लोर मैटिंग? जो फ्लोर मैटिंग जो मैंने कराया था वो 5500 का आया था। 5500 का आया था। उसके बाद हमने ये वाला एक फ्लोर मैटिंग के बाद भी एक मैट डलवा लिया जो कि मैं 1200 का आया था ये। उसके बाद स्टेयरिंग पे स्टिच कराया था हमने, ये देख सकते हैं एकदम सीट के कॉम्बिनेशन से है पूरा, थोड़ा एक स्पोर्टी लुक दिखता है ये, काफी प्यारा लग रहा है। ये लग रहा है कोई स्पोर्ट्स कार का ये स्टेयरिंग है, उस तरह का दिख रहा है ये। उसके बाद हम चलते हैं उस साइड से, बताते हैं बाकी। ओके ओके, मैं काम करता हूँ, पीछे से मैं खोल के घुस जाता हूँ। काफी अच्छा सा दिखेगा, आप देख सकते हो भाई ने थोड़ा सा गाड़ी गंदा हो चुका है, सो इग्नोर करना दोस्तों। चलो अंदर आ चुके हम गाड़ी के। अब देखो यार फ्रंट सीट का व्यू देखो यहाँ से, पीछे से कितना मस्त लग रहा है अभी मॉडिफिकेशन के बाद। और आपको पीछे बैठ करके मुझे पहला चीज़ ये दिख रहा है, स्टीयरिंग का जो स्टिचिंग हुआ है वो काफ़ी प्यारा कलर में करवाया भाई ने। और ये देखो उसके बाद सबसे 9 इंच का, हाँ, 9 इंच का मैंने इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाया है जो कि ये मेरा डिस्प्ले शायद एंड्रॉयड टेसा कंपनी का आता है जो मैंने अमेजोन से लिया था, क्योंकि दुकान पे मैंने पूछा था तो वो मुझे 232 दे रहे थे और प्राइस बता रहे थे 14,000-15,000, कुछ ज़्यादा ओवर प्राइस था मतलब। अच्छा। इसलिए मैंने ऑनलाइन देखा, इसका रिव्यू देखा तो बढ़िया लगा मुझे, मैंने रिस्क लिया और ख़रीद लिया, लगा दिया, बढ़िया चलता है एकदम। कितना पड़ा ये? ये मुझे पड़ा था 7,700 कुछ रुपये का। और इसके साथ जो बैक में कैमरा लगा हुआ है उसका हमें पड़ा था लगभग 3200 उन्होंने बताया था, लेकिन 2800 मैंने दिया था उन्हें, कुछ बार्गेनिंग करा के। उसके साथ इसका जो कपलर वाला वायरिंग आता है वो मुझे 1200-1300 का आया था, तो लगभग सब मिला के 13,000 के आसपास खर्चा आया था इसमें पूरा लगाने में, ये प्लस इसका वायरिंग प्लस बैक कैमरा। इसमें वायर वायर कुछ कट नहीं हुआ? नहीं था। वायर कहीं पे कुछ भी कट नहीं हुआ है, सारा कपलेट टू कपलेट फिटिंग मेरे सामने बैठ के हुआ था। और ग्लास लगा देंगे तो और बढ़िया काम करता है ये। इसमें एप्पल कारप्ले भी है, इसे देख सकते हैं, ये कारप्ले हमारा हो गया। अच्छा, बाकी एंड्रॉइड भी है, एंड्रॉइड ये रहा आपका, दोनों फंक्शन है इसमें, एप्पल और एंड्रॉइड कारप्ले दोनों मिलता है इसमें। उसके बाद स्पीकर्स इसमें कंपनी फिटेड थे हमारे, मैंने बेस से ऊपर वेरिएंट लिया था इसलिए कंपनी से स्पीकर मुझे मिल गया था। बाकी इसमें एक म्यूजिक सिस्टम भी लगा था, उसको मैंने निकाल दिया। फोर स्पीकर मिला होगा आपको? हाँ, 4 करोड़ रुपए स्पीकर, ट्विटर नहीं मिला, ट्विटर नहीं है बस। ओके, उसके बाद देख सकते हैं कैमरा, इसमें कैमरा लगवाया हमने बैक कैमरा, ये देखो गाइस इसमें देखिए लाइनिंग के साथ आता है ये कैमरा। कैमरा जो है इसमें गाइड के साथ मिला हुआ है, जैसे स्टीयरिंग मोड़ेंगे वो गाइड्स भी करते रहेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया भाई को मिल चुका है।
और अगर कंपनी फिटेड हम लेते हैं टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो 7 इंच का आता है और ये वाला भाई ने खरीदा हुआ है ये 9 इंच का है, जो काफ़ी बड़ा भी है देखने में और इसका डिस्प्ले क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, मैं सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये भी ऑनलाइन ही बाई किया हुआ था तो आप भी ऑनलाइन बाई कर सकते हो अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो। उसके बाद सबसे बढ़िया चीज़ इसमें मुझे क्या लगा, ये आर्म रेस्ट देख सकते हैं। एक हाथ से चलाओ, एक हाथ इस पे रखो और गियर शिफ्ट करते रहो, चलाते रहो, एकदम लग्जरी वाला फील आता है इस आर्म रेस्ट लग जाने की वजह से। ये मुझे आया था 1500 के कॉस्टिंग से आया था ये मैंने उन्हीं के दुकान से लिया था जहाँ से मैंने ये काम कराया था। अच्छा। उनके पास अवेलेबल था, मैंने लगवा लिया था, ये 1500 का पड़ा। हाँ, भाई देखो आर्म रेस्ट काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर लॉन्ग टूर पे ले जाते हो। ये जल्दी निकलता भी नहीं है, बहुत मजबूत आर्म रेस्ट है। इसको खोलिएगा, इसमें कुछ सामान भी, ये जैसे देख सकते हैं मैंने कार चार्जर और डाटा केबल रखा हुआ है इसमें। बढ़िया, इसमें थोड़ा सा स्पेस भी मिल गया है और काफी अच्छे से ये फिट भी हो चुका है। देखो आप, ये हिल भी नहीं रहा है, जो बढ़िया काम हुआ है भाई का। बाकी का ये हमने लगवा रखा है, ये तो हमें दुकान वाले ने फ्री में दे दिया था, ये गाड़ी अच्छा काम कराया तो फ्री मिला था। और इस गाड़ी में देखो ये प्योर रिदम है, तो इसमें आपको आगे में केवल पावर विंडो मिलता है, पीछे की तरफ आपको वही मैनुअल मिलता है, आपको घुमा करके शीशे को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। सो ये भी आप आफ्टर मार्केट करवा सकते हो काम, अगर आपको चाहिए पीछे में भी पावर विंडो तो वो भी आप लगवा सकते हो आसानी से। पीछे का सीट कवर देखो, ये भी काफ़ी अच्छे से भाई लोगों ने फिट करके दिया हुआ है भाई को, जो काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है। और ये कलर कॉम्बिनेशन गाइज मेरे पर्सनली मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये ऑरेंजिस टाइप का है ये कलर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, जो काफ़ी मस्त लग रहा है। तो गाइज हमने इंटीरियर को अभी कवर कर चुका है, शायद मेरे ख्याल से कुछ छूटा नहीं है। ये साइड का लुक देखो यार, काफ़ी मस्त लग रहा है मेरे को, सिल्वर फिनिश में जो व्हील कैप दिया हुआ है और ऊपर में क्रोम लाइन जो ऐसे गया हुआ है वो काफ़ी मस्त लग रहा है। और डोर वाइजर के ऊपर भी आप देखोगे क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। सो गाइस अब हम दोनों कवर कर चुके हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर, आप कमेंट करके बताना कि भाई का मॉडिफिकेशन किया हुआ गाड़ी कैसा लग रहा है। इसमें एक चीज़ हम भूल गए थे बताना, जो कि ये सेंटर लॉक है, देख सकते हैं इससे हमारा गाड़ी लॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। इसका प्राइस हमें आया था 3600 के आसपास आया था, इसके साथ दो रिमोट थे, बाकी देख सकते हैं रिमोट प्रॉपर काम करता है। हमारे गाड़ी में ये बूट खोलने का सिस्टम तो है नहीं, इसलिए ये काम नहीं करता है, बाकी सारा काम करता है लॉक अनलॉक। सो गाइस अगर आप भी सोच रहे हो टाटा पंच लेने का और वो भी बेस मॉडल, तो आप बेहिचक ले सकते हो और इस तरीके का आप अपने तरीके से मॉडिफाई करवा सकते हो, अपने गाड़ी में कोई भी एक्सेसरीज लगवा सकते हो और अपना गाड़ी को काफ़ी सुंदर तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। आप देखो पीछे में कितना मस्त लग रहा है, ये बिल्कुल भी देखने में नहीं लग रहा है कि ये कोई बेस वेरिएंट है, ये बेस वेरिएंट का जस्ट ऊपर वाला मॉडल है प्योर रिदम। इसमें आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं और छोटा सा इसमें ये स्क्रीन दिया हुआ था 3 इंच का, उसमें कोई भी टच स्क्रीन का ऑप्शन नहीं था, बस ये छोटा सा डिस्प्ले दिया हुआ था 3 इंच का, बस उसी में दिखता था क्या क्या फंक्शन है, गाना वगैरह आप चेंज कर सकते थे, बस उतना ही दिया हुआ था। लेकिन भाई ने उसमें 9 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा लिया, जो काफ़ी मस्त लग रहा है, जो कंपनी की तरफ से आता है वो 7 इंच का आता है और भाई ने 9 इंच का लगवाया हुआ है, जो काफ़ी मस्त लग रहा है। सो गाइस अगर आप इसकी ऑन रोड प्राइस की बात कर रहे हो प्योर रिदम का, तो इसका ऑन रोड प्राइस 7,38,000 के आसपास इसे पड़ा था और इसमें मॉडिफाई जितने भी भाई ने करवाया वो 50 के अराउंड लगा हुआ है। सो आप 50,000 खर्च करके आप बेस मॉडल को काफ़ी अच्छे तरीके से टॉप मॉडल के आसपास बना सकते हो। सो गाइज अगर आप प्लान कर रहे हो इस गाड़ी को लेने का, तो बेहिचक आप बेस मॉडल खरीद करके इस तरीके से आप मॉडिफाई करवा सकते हो अपने गाड़ी का और अपने पैसे भी बचा सकते हो। और ये गाड़ी अगर आप बाई करते हो बेस मॉडल, तो ये 7,38,000 का इसे पड़ा है और 50,000 का आप मान लो मॉडिफाई इसमें करवाते हो, तो आपका इसमें सब चीज़ लग जाएगा, एक्सेसरीज वगैरह, आपको कोई भी फीचर की कमी नहीं दिखाई देगी। बस सिर्फ ये फ़र्क रहेगा कि इसमें बस एलॉय व्हील आपको नहीं मिलेगा, बाकी एलॉय व्हील की तरह तो ये व्हील कैप मुझे अच्छा लग रहा है। इसमें एलॉय व्हील को छोड़कर बाकी सारे आपको फीचर मॉडिफिकेशन के बाद मिल जाएंगे लगभग। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप कमेंट करके बताना कि ये गाड़ी मॉडिफिकेशन के बाद आपको कैसा लग रहा है। सो गाइस अगर आप भी प्लान कर रहे हो ये गाड़ी बाई करने का, तो बेहिचक आप बाई कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप टॉप मॉडल ले लेना, अगर अपने पैसे सेव करना चाहते हो तो बेस मॉडल ही लो और इस तरीके से मॉडिफाई करवा सकते हो अपने गाड़ी को। जितने भी इसमें एक्सेसरीज लगे हुए थे सारे के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको बाय करना होगा ऑनलाइन तो वो वहाँ से आप बाय कर सकते हो। सो गाइज इस वाली वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं,
और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा एंड और भाई का गाड़ी का मॉडिफिकेशन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।